Hello students, let's do this question. The question says a substance which decomposes below its boiling point can be best purified by. Char options aapko given hai. Simple distillation, steam distillation, fractional distillation, distillation under reduced pressure. So जब दो सब्सटेंसेस हैं और इनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम ये कह देते हैं कि उस मिक्सचर के अंदर दो लिक्विड्स प्रेजेंट हैं, और प्यूरिफिकेशन की बात करें तो एक लिक्विड बहुत ज्यादा बल्क में है और उसके अंदर कुछ माइनॉरिटी में या इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, जो भी लिक्विड है, ठीक है. और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उस सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो काफी ज्यादा हाई है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है. तो उस केस में प्यूरिफिकेशन टेक्निक जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. सो इसका दूसरा नाम आपका वैक्यूम डिस्टिलेशन भी होता है, इसको आप वैक्यूम डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हो. तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि देखिए, प्रेशर का, एक्सटर्नल प्रेशर का एंड बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन होता है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर आपका ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है. तो अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, मतलब वैक्यूम लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दी, तो आपका जो लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था, मतलब उसके वेपर्स बहुत धीरे धीरे बनते थे, ठीक है, अब क्या होगा, उसके वेपर प्रेशर बनेंगे और वो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल रिड्यूस्ड वेपर प्रेशर के, एक्सटर्नल रिड्यूस्ड प्रेशर के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है. तब क्या होगा, वो अपने वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी, ठीक है. सो जब ऐसा होगा तो वो क्या करेगा, अपने एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से लोअर बॉइलिंग पॉइंट पर ही क्या करने लगेगा, बॉइल करने लगेगा, ठीक है. एंड दिस इज हाउ इट कैन बी प्यूरिफाइड. सो दिस इज द टेक्निक विच वी यूज विच इज नोन एज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. सो रेस्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.